हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है बार्ले। बार्ले से बना हुआ उपमा। आप इसको किसी भी फ्लेवर से बना सकते। मैं आज इसको टोमेटो फ्लेवर का बना रही हूँ। तो ये जो रेसिपी है इसका नाम है बार्ले टोमेटो उपमा। तो देखते हैं ये कैसे बनाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये जो ग्रेन है ये बार्ली है, इसको हिंदी में जौ भी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसको आप इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन ये थोड़ा खाने में हार्ड रहता, इसलिए हम इसका एक कोर्स सा पाउडर बना लेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको ग्राइंड करके एक रफली पाउडर बना के रखी, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और मार्केट में भी आपको इसका दलिया मिल जाएगा, अगर आपके पास है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स है ताकि उसको और ज़्यादा हेल्दी कर सकें। कैरेट्स, बीन्स और कैप्सिकम। ये एक मीडियम साइज़ की अनियन है जिसको मैं फाइनली चॉप करके रखी। और टमाटर का पेस्ट, चाहे तो आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते। मैं यहाँ पे थोड़ा टमाटर का फ्लेवर ज़्यादा बनाने के लिए इसको मैं टमाटर का पेस्ट बना के इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हम यहाँ पर हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कम स्पाइसेस और बिल्कुल लो ऑयल से आप इसको प्रिपेयर करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन ले ली मैं। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल कम क्वांटिटी का ऑयल। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे थोड़ी सी ज़ीरा और थोड़ी सी राई, और जब ये क्रैकल हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। फाइनली चॉप की हुई प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो वैसे तो बार्ले बनाने के कई तरीके हैं, आप हर अलग मेथड से बना सकते। और मेरे चैनल पे आपको एक और रेसिपी मिलेगी तलबीना की, जो हम बार्ले का मीठा सा पोरेज बनाते, उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे रही हूँ। वो एज ए स्वीट डिश बना सकते आप, और इसको एज ए सॉल्टी सेवरी डिश की तरह इसको बना सकते, इस तरह से सारे वेजिटेबल्स ऐड करके उपमे की तरह। तो यहाँ पे जैसे ही प्याज थोड़ी सी सोते हो गए, मैं अब इसमें ऐड कर दी बाकी के वेजिटेबल्स जो ज़्यादा टाइम लगते पकने के लिए, जैसे कि बीन्स है और कैरेट्स है। इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने से फाइबर की जो क्वांटिटी है वो और ज़्यादा डबल हो जाएगी, और आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि जितना फाइबर आप इनटेक करेंगे उतना आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और वेट लॉस में आपको आसानी होगी। तो ये जो रेसिपीज़ हैं ये ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ हैं, इसको आप आपकी वेट लॉस जर्नी में इस्तेमाल कर सकते वेट लॉस करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर दी ग्रीन चिलीज और कैप्सिकम। इसके बाद इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जैसे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। ये सारे स्पाइसेस डाल के अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको मेरे चैनल पर वेट लॉस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको सारे हेल्दी रेसिपीज़, ग्लूटेन फ्री रेसिपीज़ और बिल्कुल हेल्दी टाइप के जो रेसिपीज़ है वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दी टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसका पेस्ट बना लीजिए, आप प्योरे बना ले सकते हैं, वो ऐड करना है। अगर आप चाहे तो फाइनली चॉप करके टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इस रेसिपी को कम्प्लीट टमाटर का टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा इसको खटास देने के लिए, मैं यहाँ पर इसको टमाटर का पेस्ट बना के ऐड कर रही हूँ। तो ये पेस्ट को हम थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे, ताकि इसमें जो रॉ स्मेल रहती वो कम्प्लीटली चले जाएगी और जो टमाटर है वो अच्छे से पक जाएंगे और इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 500 ml तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें जो बार्ले का दलिया है वो ऐड करेंगे।
अगर आप चाहे तो बार्ली के दलिया को थोड़ा सा भून सकते हैं साइड में, बिल्कुल लो ऑयल से, या फिर बग़ैर ऑयल के भी भून सकते हैं, जिस तरह से जवार के दलिये को हम भुने थे, जो जवारी का दलिया का रेसिपी है उसके वीडियो में आप देख सकते हैं, उस तरह से आप उसको भून के भी रख सकते हैं, या फिर आप बग़ैर भुना हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी में अच्छे से जब बॉईल आ रहा है, तब मैं ये जो दलिया है इसको थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके रखी ताकि इसमें लम्प्स ना बने। अब ये जो दलिया है मैं इसमें ऐड कर दी। अब इसको अच्छे से पकना है और इसको कंटिन्यूस स्टर करते हुए आपको पकाना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा लंपी हो जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल मिक्स करते हुए पकाते जाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब इसके जो ग्रैन्यूल्स रहते हो अगर जब कच्चे हैं तो बिल्कुल आपको वाइट कलर के नज़र आएंगे, तब ये अच्छे से गल जाएगा, तब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये जो बार्ली है वो गल चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, अभी ये डाल के सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, तो ये अभी पका नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, इसका मिक्सचर तो थोड़ा थिक हो चुका है लेकिन अभी ये गलना बाकी है। इसमें आप देख सकते बिल्कुल वाइट वाइट कलर के आपको छोटे छोटे पीसेस नज़र आएंगे, तो ये अभी कच्ची है। तो इसको और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं पकाऊँगी और आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि गलने के बाद ये कैसा लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बार्ले जो है वो अच्छे से गल चुकी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। और ये जो उपमा है वो बिल्कुल बनके तैयार है। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह के जो ग्रेन्स हैं उसका इस्तेमाल आप ज़रूर अपनी डाइट में रखिए, क्योंकि ये जो ग्रेन्स है, ये ग्रेन्स होल व्हीट और चावल, इस तरह के जो ग्रेन्स हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते, तो आप अपनी डाइट में इसको ज़रूर इंक्लूड कर सकते। तो होपफुली आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी एक हेल्दी रेसिपी के साथ या फिर किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।